गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा जो पिंग कमांड हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसे काम करता है, और पिंग सबसे पहले कैसे काम करता है, प्लस कैसे हमारा आईसीएमपी या एआरपी कैसे कौन कौन से पैकेट्स को भेजता है डेस्टिनेशन तक, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल पार्ट करते हुए इस वीडियो में समझते हैं। गाइस, लास्ट वीडियो मैंने जो नेटवर्किंग पे अपलोड किया था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, और बहुत सारी क्वेरी आई कि सर पहले आईसीएमपी जाता है एआरपी जाता है, सर कौन कौन सा पैकेट सेंड होता है, दोनों पैकेट जो आईसीएमपी और एआरपी है वो कैसे काम करता है, जिसमें से दो पैकेट हम लोग भेजते हैं तो चार पैकेट क्यों दिखाता है, चार रिप्लाई क्यों आता है। तो एग्जैक्टली बहुत अच्छा सा सवाल आप लोगों ने पूछा, तो काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ चलो एक एंगेज हो आप लोग मेरे साथ, और जो भी मैं चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो प्रॉपर वे से आप लोगों के समझ में आ रही है। सो गाइज, इस वीडियो में टोटल उन्हीं प्रैक्टिकल पार्ट को करते हुए हम लोग समझते हैं। सो यहाँ पे दो कंप्यूटर में ले लेता हूँ, लास्ट जो वीडियो था नेटवर्किंग पे उसी के बिहाफ पे ये टोटल समझो प्रैक्टिकल पार्ट है, और इस पार्ट को मैं सीसीएनए में अपलोड करूंगा जो कि 200301 सीरीज में मैं बना रहा हूँ। गाइज, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट बना रहेगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग काफ़ी आगे तक चल सकते हैं और सारी चीज़ें। सो गाइज, यहाँ पे जो बात होती है कि पिंग कमांड कैसे काम करता है, तो यहाँ पे दो कंप्यूटर मैंने ले लिया, राइट, PC2 एंड PC3। आप इसको रीनेम भी यहाँ से कर सकते हो, वैसे मेरा ये पार्ट नहीं है बताने का, बट चलिए कोई नहीं। एंड देन मैं एक स्विच ले लेता हूँ, सिंपल मैंने एक स्विच ले लिया और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, राइट, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया एंड इसको कनेक्ट कर दिया। अब दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो गई हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों डिवाइसेस पे एक आईपी एड्रेस देना है। गाइस, वीडियो में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं पहले कंप्यूटर पे 100 आईपी एड्रेस दूंगा एंड सेकेंड वाले कंप्यूटर पे मैं आईपी एड्रेस देता हूँ 200, राइट, बिल्कुल वही जो लास्ट वीडियो देखा होगा उसको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं एक बार यहाँ पे चैनल ओपन करके दिखाऊंगा गाइस कि लाइक आप अगर मेरे चैनल पर जाते हैं सो देखिए यहाँ पे जो वीडियो नंबर है, मैं यहाँ से नहीं बल्कि जो मैंने वीडियो अभी अपलोड किया था वो ये है, 23 नंबर ट्यूटोरियल है नेटवर्किंग के सीरीज में, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैंने पिंग कमांड, बिकम नेटवर्क एक्सपर्ट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस, बहुत बड़ा एक सवाल है इंटरव्यू वगैरह में आने वाला, तो ये सारी चीज़ें तो इसको ज़रूर देख लेंगे। तो यहाँ पर उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब इन दोनों कंप्यूटर पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये नेटवर्किंग का भी पार्ट है तो बिगनर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी अगर मैं डायरेक्ट पिंग ही करके दिखा दूँ। तो मैंने देखो कैसे रिप्लाई लेना है, मैंने पहले कंप्यूटर पे आईपी दे दिया और मैं चलता हूँ दूसरे कंप्यूटर पे। अब देखो दूसरे कंप्यूटर पे भी मैं आईपी 10.0.0.200 एंड इसको मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब यहाँ पे इन दोनों कंप्यूटर से रिप्लाई लेना है, राइट, रिप्लाई जैसे ही मुझे लेना है वो कैसे देखिएगा, सबसे पहले हम चले चलते हैं सिमुलेशन मोड पे, राइट, सिमुलेशन मोड पे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा मैसेज जनरेट हो रहा है, कौन कौन से और कैसे काम कर रहा है। मैं यहाँ से एक पैकेट उठाता हूँ और यहाँ से मैं सेंड करता हूँ इस डिवाइस पर, राइट, अब देखो यहाँ पे दो पैकेट बन गया, यही मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे जो पहला पैकेट है PC1 पे आप देख सकते हैं कि पहला पैकेट हमारा ICMP है, मैंने जैसे ही पैकेट पे क्लिक किया सो यहाँ से भी आप देख सकते हो, और यहाँ से पहले पैकेट पे आप माउस रखिए तो बता देगा कि पहला पैकेट हमारा ICMP बना एंड दूसरा पैकेट हमारा ARP बना, राइट। गाइज, लास्ट वीडियो में किसी बंदे का कमेंट आया था जिसमें ये था कि इसको और अच्छे से पहले करना सीखो, ये वो बहुत सारी चीज़ें। सो गाइज, उन सभी लोगों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर प्रॉपर वे से वीडियोस को समझनी है या चीज़ों को देखना है तो वीडियो के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, एक वीडियो में पूरी दुनिया नहीं बताई जा सकती। सो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं देता हूं कि अगली वीडियो में इसका प्रैक्टिकल पार्ट होगा जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। सो गाइज, वेट कर लो ना, इतना सारी चीज़ें, बहुत सारा ये वो इधर उधर उल्टा सीधा सारा काम करने लगते हो कि अभी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें। सो गाइज, यहाँ पे देखो दो पैकेट है, राइट, सो ICMP एंड ARP। तो अब देखो मैं यहाँ से पैकेट को सेंड करता हूँ,
अगर मान लिया कि मैं आईसीएमपी पैकेट पे क्लिक करूँ माउस, तो यहाँ पे दिखा देगा कि आईसीएमपी यानी लेयर 3 लेवल पे एक आईसीएमपी मैसेज जनरेट हुआ है और द पिंग प्रोसेस स्टार्ट द नेक्स्ट पिंग रिक्वेस्ट। ओके, और पिंग प्रोसेस क्रिएट्स एन आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट मैसेज एंड सेंड इट टू द लोअर प्रोसेस। द सोर्स आईपी एड्रेस इज नॉट स्पेसिफाइड, द डिवाइस सेट इट द पोर्ट्स आईपी एड्रेस, द डिवाइस सेट्स टीटीएल इन द पैकेट हेडर, द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द सेम सबनेट, द डिवाइस सेट्स द नेक्स्ट होप टू द डेस्टिनेशन। ओवरऑल सब कुछ कहने का मतलब इसका यही है कि अभी हमारे कंप्यूटर को ये नहीं पता कि हमें जो मैसेज यहाँ से यहाँ भेजना है एग्जैक्ट उसका पूरा डिटेल क्या है। सो स्विच के पास क्या होता है, पूरी की पूरी एआरपी टेबल होती है जो कि आप यहाँ पे दूसरे पैकेट में आपने देखा होगा। सो अभी यहाँ पे देखो आईसीएमपी जो मैसेज है यहाँ पे ये पूरा का पूरा चेकसम एंड सिक्वेंस सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं गाइस बताता हूँ कि जब एआरपी पे क्लिक करेंगे, सो एआरपी पे देखो एआरपी हमारा कहाँ से मैसेज जनरेट हो रहा है या कहाँ से मैसेज ले रहा है, डिटेल ले रहा है, ये लेयर 2 से ले रहा है और लेयर 2 के पास मैक एड्रेस की पूरी डिटेल होती है, राइट। सो ये हंड्रेड से मैसेज ले रहा है और दोनों कंप्यूटर का एक तरीके का यहाँ पे देखो एक फिजिकल एड्रेस दिखा रहा है जो कि हमारा होता है टोटल बोल सकते हैं इसको एआरपी टेबल। एआरपी टेबल में आईपी और मैक की डिटेल होती है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आईपी और मैक की डिटेल है। आउटबाउंड पे जाइए तो यहाँ पे जो मैसेज जा रहा है एआरपी है, राइट। सोर्स कौन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सोर्स ये है हमारा, सोर्स का मैक एड्रेस ये है। अब गाइज यहाँ पे डेस्टिनेशन या टारगेट यहाँ पे दिखा रहा है तो जीरो ये है और टारगेट का मैक एड्रेस अभी इसको स्पेसिफाई नहीं है, 00 दिखा रहा है, राइट। लेकिन टारगेट का मैक एड्रेस इसको मिलेगा कैसे, अब एक बार मैं यहाँ से पैकेट को सेंड करता हूँ, अभी कुछ बहुत तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो सबसे पहले जब मैसेज सेंड करूँगा दोनों पैकेट में से उठेगा कौन, कुछ लोगों ने सवाल किया था पहले कौन सा मैसेज जाता है, तो आप देखो मैं जवाब नहीं, यहाँ पे खुद ही आपको जवाब मिल जाएगा। बस एक बार और यहाँ पे देख लो, ये हमारा आईसीएमपी पैकेट है और ये हमारा एआरपी पैकेट है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो सबसे पहले कौन सा पैकेट गया यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कौन सा जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करके तो ये एआरपी है ना। अब एआरपी मतलब कि एक बार पूरा मैसेज देखो, सबसे पहले जब आईसीएमपी मैसेज मैंने सेंड किया सो एआरपी टेबल के थ्रू ये क्या करेगा, डिटेल को सेंड करेगा। अभी एआरपी 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 ही जा रहा है ना, कितना टाइम लगा। अब देखो यहाँ पे जब एक बार पैकेट पूरा रिसीव हो गया, राइट, अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, जब एक बार पूरा से पूरा यहाँ पे पैकेट रिसीव हो गया तो वो क्या भेजा, आईसीएमपी फिर से रिक्वेस्ट किया। मतलब कि पहला जो मैसेज यहाँ से आउट हुआ वह आईसीएमपी के थ्रू किस पैकेट को पहले ट्रांसफर कर रहा है, एआरपी को, यानी कि एआरपी टेबल से वो डिटेल निकाल रहा है और डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे दूसरा जो पैकेट है जो पीसी के थ्रू दूसरी बार जा रहा है वो भी आईसीएमपी है और जब भी ये यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे देखो कौन सा पैकेट यहाँ पे आया, अब देखो ये भी आईसीएमपी है। अभी जब रिक्वेस्ट वापस जाएगी, अभी इस पैकेट पे मैं इस देखता हूँ तो ये भी आईसीएमपी है, मतलब कि यहाँ पे भी वही डिटेल आ रही है यहाँ पे भी। तो पहली बार जो है हमारा आईसीएमपी जब मैसेज हम सेंड करते हैं, एक इको मैसेज सेंड करते हैं तो एआरपी पूरा का पूरा डेटा उठाकर जाता है, मतलब एआरपी पैकेट जा रहा है और फिर यहाँ से आईसीएमपी आ रहा है और फिर आप आगे बढ़ते रहो देखो तो हमारा आईसीएमपी ही है और अभी एसटीपी यहाँ पे हो गया, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लूप अवॉइड करता है, तो ये सारी चीज़ें। अब देखो सबसे पहले कौन आया, अब आप पूछ रहे थे ना कि कौन आया, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा मैसेज जनरेट हुआ, आईसीएमपी, मतलब ये तो मैंने ही जनरेट किया। ओके, अब यहाँ से पैकेट जा कौन सा रहा है, एआरपी पैकेट जा रहा है, राइट, क्लियर। अब यहाँ से फिर एआरपी पैकेट के बाद ये दोबारा कौन सा जा रहा है, आईसीएमपी जा रहा है। अब गाइस यहाँ पे सवाल आता है कि चलो ठीक है आईसीएमपी मैसेज भेजने पर पहले एआरपी क्यों जा रहा है, एआरपी इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारा जो स्विच है, ये जो स्विच है इसके टेबल में अगर देखोगे आप, सो यहाँ पे सो मैक एड्रेस टेबल इंटर, सो यहाँ पे देखो अभी दोनों कंप्यूटर का मैक एड्रेस यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मैक एड्रेस की डिटेल पाने के लिए क्या करता है, ये एआरपी मैसेज पहले जनरेट होता है, राइट। अब एआरपी मैसेज जनरेट होने के बाद देख सकते हो इन और आउट लेयर दोनों तरफ यहाँ पे 100 और 200 दोनों का यहाँ पे मैसेज जनरेट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एआरपी टेबल के पास जो भी है टारगेट और यहाँ पे सोर्स,
एंड देन आउटबाउंड में देखो सोर्स, एंड देखो इसका मैक एड्रेस, एंड देखो टारगेट, एंड इसका मैक एड्रेस। तो सब कुछ अब इन दोनों कंप्यूटर को पता चल गया कि मुझे किसको पैकेट भेजना है और कैसे भेजना है। सो गाइस, ओवरऑल यहाँ पे जो सिनेरियो निकल कर आता है आपके सामने, ये जो पूरी टेबल है, इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर लो कि जब भी एक कंप्यूटर से आप मैसेज भेजते हो, पिंग कमांड भेजते हो, एआरपी सबसे पहले यहाँ से गया, और उसके बाद एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एआरपी का काम खत्म, क्योंकि यहाँ पे पूरा मैक एड्रेस का डिटेल या पूरी फिजिकल आईडी सभी को पता चल गई, दोनों कंप्यूटर को पता चल गया। उसके बाद ये इको मैसेज भेजता रहेगा, है ना। उसके बाद थर्ड मैसेज जो यहाँ पे जनरेट होगा एसटीपी का होगा। एसटीपी क्या करता है कि बीच में जो लूप बनते हैं ना, लूप मतलब कि एक तरीके का ट्रैफिक ना होने पाए, उसके लिए एसटीपी मैसेज होता है, ताकि बार बार वो चीज अवॉइड होती रहे, वो ट्रैफिक ना बनने पाए। क्लियर। यहाँ पे इस तरीके से दो मैसेज होते हैं, आईसीएमपी एंड एआरपी। क्लियर। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।